इसलिए साधु संघ करने के लिए रूप गोस्वामी हम लोग संसार में फंसता है किस लिए, उसका कारण क्या है। छह किस्म का व्यवहार जिनसे होगा उसमें हम लोग आसक्त हो जाएंगे। प्यार से चीजें बात करने से नहीं होता है। ददाति प्रतिगृहणाति गुज्जमाक्षति पृच्छति भूंते भजे तीव सर्विदं प्रतिलक्षण उपदेशामृत रूप गोस्वामी। देना लेना खाना खिलाना हृदय का बोलना सुनना, जब असाधु से करेंगे असत वृत्ति आ जाएगी, साधु से करेंगे सदवृत्ति आ जाएगी। कौन करता है साधु के पास अपने दिल खुलता है, खुलता है विषय के पास, विषय का संग साधु के पास हम दिल खोल देंगे, साधु भी अपना दिल खोल देंगे, भजन का रहस्य बता देंगे। हम लोग साधु के पास दिल खुलता नहीं साधु भी नहीं खुलता, संग नहीं होता। प्यार से जब साधु को खिलाएंगे और साधु का प्रसाद भी लेंगे तब होता है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ साधु। ऐसा एसोसिएशन होता नहीं। छह किस्म के अभी देखिए एक उदाहरण भागवत समय देता है। चैतन्य महाप्रभु हम लोगों के कल्याण के लिए एक लीला किया पुरुषोत्तम धाम। चैतन्य महाप्रभु नंदन नंदन श्री कृष्ण राधा जी का भाव लेके गौरांग रूप से प्रकट होके अपना माधुर्य मेरा माधुर्य आस्वादन करके राधारणी पागल हो जाते हैं, तो मेरा माधुर्य किस प्रकार है वो समझने के लिए राधारणी का भाव लेके गौरांग रूप से प्रकट हुआ भीतर में अंत तक पहुंचा। लेकिन उन्होंने क्या लीला किया, साधारण मनुष्य का कल्याण के लिए एक लीला किया। ये सब उच्चकट का विषय साधारण मनुष्य समझेगा नहीं, उल्टा समझेगा। इसलिए गदाधर पंडित गोस्वामी जी से उनका जो प्रियतम भक्त है शक्ति है जो कृष्ण लीला में राधा रानी है वही गदाधर पंडित गोस्वामी है, उनसे भागवत से प्रह्लाद चरित भीम चरित एक मर्तबा ने सौ मर्तबा सुना, सुन के कहते फिर सुना। हम लोग जो गुरु जी का चरणाश्रय किया वही परंपरा में क्यों चैतन्य महाप्रभु ने लीला किया इसको बहुत बहुत ध्यान से चिंता करना है। बहुत उच्च कोटि का बात लेकर ज्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं है। बद्ध जीव हम लोग हैं। जब मैं किसी को पूछू आप प्रहलाद जी सुना, हाँ सुना, पूरा सुन लिया सुन सा गया ओ नहीं पूरा सुना सुना हुए हाँ हो गया। शुरू से आखिर तक एक आदमी भी सुना नहीं कहते हमारा सुना हो गया। ध्रुव गरीब थोड़ा सुना अंशिक, जब पूछा जाए शुरू से आखिर तक सुना तो हमारा सुना हो। लेकिन चैतन्य महापुरुष शुरू से आखिर तक सुना, सुनने के बाद फिर सुना, उसके बाद फिर सुना। भगवान जैसे अपरागिक है प्रकृति का अतीत है, भगवान का जो अपरागिक गुण को भी आस्वादन करके कोई समाप्त नहीं कर सकता है, नित्य विपन्न रूप से आस्वादन होता है। इस प्रकार भगवान का भक्त जो है उनका भी गुण असीम है। एक ही श्लोक हजारों लाखों दफे उच्चारण करके नूतन आस्वादन होता है। हमारा परम गुरु जी भगवत का एक श्लोक कलकत्ता में एक महीना व्याख्या करके भी उनका संतोष नहीं हुआ। ये तो शब्द ब्रह्म ये मेटीरियल साउंड नहीं है। अनंत देव अनंत काल कृष्ण नाम करके अभी भी उनका आस्वादन समाप्त नहीं करता है। नारद गोस्वामी बिना लेखे कृष्ण नाम करके अभी भी उनका आस्वादन समाप्त नहीं करता। प्रतिपदम पूर्णाम कभी समाप्त होने से वो भगवान नहीं होता है। भगवान असीम
उसका सदन करके कोई समापन नहीं कर सकता है।